वाले हैं, जाते हैं इंटरव्यू देने, जाते हैं कहीं ना कहीं इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू देने के पहले 20 क्लास वो तैयारी करते हैं, 15 से 20 क्लास जाके किसी टीचर के पास, वो उनको सिखाते हैं कि आप कैसे इंटर कीजिएगा, अंदर जाइएगा कैसे। उनको सिखाया जाता है कि यहां से बटन लगा लीजिएगा, जूता में पॉलिश मार लीजिएगा, जब इंटर कीजिएगा तो एक एक पैर को धीरे धीरे रख के अंदर जाइएगा। क्या ये संभव है? रमेश यार को भेज दे तो वो शेर बन जाएगा? आज तक तो जिंदगी में जो पर्सनालिटी हमारे साथ जो आए दिन हम अपने जिंदगी को बिताते गए हैं, वो मेरा नेचर बन गया है, हैबिट ही सेकंड नेचर होता है। कैसे चलना है पता ही नहीं है, रोड पर चलते हैं थोड़ा सा बगल से कोई गुजरी टी शर्ट खींच लेते हैं पीछे, पर्सनालिटी। और आए एग्जाम की तैयारी करने आए हैं, जाना है किस चीज का, पीओ का इंटरव्यू देने, बैंकिंग का इंटरव्यू देने, और पर्सनालिटी रखा जाता है। 4 दिन के शिक्षक के बता देने से अगर सियार शेर हो जाता तो सारे सियार को पकड़ के शेर बना दिया जाता। होता क्या है, अंदर जो पर्सनालिटी होता है वो बाहर के दिखावे की चीज नहीं है। एक छोटी सी घटना का जिक्र कर रहे हैं, विवेकानंद एक बार शिकागो धर्म सभा सम्मेलन को संबोधित करने पहुंचे। वो जब अमेरिका पहुंचे तो देखते हैं कि यहाँ की खुशहाली इतनी सुंदर है, काश मेरा भारत भी ऐसा होता। वो वहां की खुशहाली और विधि व्यवस्था को देख के इतना खुश हुए कि सड़क के किनारे बैठ के ध्यान करने लगे और सोचने लगे कि काश मेरा भारत ऐसा होता, मेरे भारत के नौजवान ऐसे होते। वो सोचते सोचते सड़क के किनारे ध्यान में बैठे, तब तक दो तीन अमेरिकन आता है और उनसे पूछता है कहां से आए हैं, आप कहीं बाहर ले जाते हैं? अभी नहीं, आज से 3 साल पहले जब भी बिहारी कहीं जाता था सड़क के किनारे लगा के चद्दर बिछाया, एग्जाम देने गया है रेलवे के सड़क के किनारे, वहीं लेट गया। कोई आता था वो देख के समझ जाता था पर कभी आई होगा। गए विवेकानंद को यहां वाली आदत, उनको पता नहीं था वहां की खुशहाली को देख के दंग थे। जब पूछता है आगे कि कहां से आए हो, वो तुरंत जवाब देते हैं मैं इंडिया से आया हूं। हंसता है ऊपर, इंडिया से आया है, इंडियन है, यानी कैसे, कुछ दिन पहले बिहारी है। मोरल है तो सबसे बड़ा चीज है। पूछता है क्या करने आए हैं आप, वो बोले हम अपनी संस्कृति को बताने आए हैं। चूर से ठहाका मारता है, कहता ये आए हैं अपनी संस्कृति को बताने, ये आए हैं यहाँ पर्सनालिटी बताने, संस्कृति होता क्या है। और हंसता है, बोले क्यों हंस रहे हैं, जिसको कपड़ा पहनने का ढंग नहीं वो आया है अपनी संस्कृति को बताने। बड़ा सालीन भाव से जवाब देते हैं, तुम्हारे यहाँ तुम्हारी संस्कृति 2 टके का दर्जी बताता होगा, जिसको कपड़ा खरीद कर दे दो जैसा को सिल देगा और पहनोगे उससे तुम्हारे यहाँ का पर्सनालिटी बनता है। हमारे यहाँ की संस्कृति हमारा अध्यात्म बताता है, जो कि आज नौजवानों का घोर अभाव है इस अध्यात्म का, और वो चाहते हैं कि टाइट फिटिंग व्हाइट शर्ट और ब्लैक पैंट जूता पहन के अपने पर्सनालिटी को दिखा दे कि हम हैं कैसा, और जाते हैं इंटरव्यू फेस करके। जैसे इंटर करते हैं अभी एक अमीन सर 2 बार डालते हैं आओ बैठो, तो साइकोलॉजिकल इफेक्ट डालने के लिए एक साइकोलॉजिस्ट रहता है, वो चेक करता है कि इसका अंदर वाला स्ट्रॉन्ग है कि नहीं, क्योंकि ऊपर से तो टाइट फिटिंग दिख रहा है। जैसे झटका देता है वो 90% नर्वस हो गए, जितना 28 दिन में टीचर बताए थे सब भूल जाता है, अपनी वास्तविकता पर आ जाता है। और आने के बाद धीरे 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 उसका लैकिंग शुरू हो जाता है। होता क्या है पर्सनालिटी डेवलपमेंट में, यहाँ से जो चीज बताई जाती है साधना स्वाध्याय संयम सेवा, इससे आपको लाभ क्या है? पर्सनालिटी का मतलब वो होता है कि जब इंटरव्यूअर के सामने बैठे उसकी आंखों में आंख डाले तो वो जितना जानता है उसको इतना बेहतरीन ढंग से उसको समझाने का प्रयास करे कि वो दंग रह जाए। ये नहीं होता है कि जानते हुए भी पता ही नहीं चलता है कि क्या पूछ रहा है और क्या बताना है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है उसके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है। अगर जिस क्वेश्चन का वो जवाब नहीं जानता है वो सिर नीचा नहीं झुकाता, सीधे कहता है एक्सक्यूज मी सर, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। इंटरव्यूअर को भी पता होता है कि कोई पूर्ण नहीं है, सर्वज्ञ एक ही है परमात्मा। वो जानने का प्रयास कर
कल के डेट पर ये बैंक का मैनेजर बनेगा, कोई व्यक्ति आएगा तो उसको फेस कैसे करेगा? क्या इसके अंदर में वो ताकत है शालीनता व्यवहार के साथ किसी को टैकल करेगा? उसमें 3-4 इंटरव्यूअर में एक रहेंगे जो बार बार